नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल प्रातः दर्पण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज की खास खबरें। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष के इस्तीफे से पार्टी की रार खुलकर सामने आ गई है। दिलीप डांगी को जिलाध्यक्ष बनाने से आहत हुए विजय साहू ने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी आलाकमान पर उनका मान सम्मान न करने के आरोप लगाए हैं। रामगढ़ में ऑल झारखंड स्टूडेंट यानी आजसू पार्टी में गुटबाजी और विवाद चरम पर आ चुका है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पार्टी के जिलाध्यक्ष विजय साहू ने जिलाध्यक्ष सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर पार्टी को अलविदा कह दिया है। विजय साहू ने कहा है कि उन्होंने 20 वर्षों से निस्वार्थ भाव से पार्टी को संगठित कर मजबूत करने का काम किया है, पर पार्टी ने उनका मान सम्मान नहीं रखा, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है। गौरतलब है कि विजय साहू 2024 तक जिलाध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते थे। इसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष से आश्वासन भी मिला था, पर अचानक दिलीप डांगी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, जिससे आहत होकर विजय साहू ने ये कदम उठाया है। मैंने कभी ना टिकट का मांग किया, न चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन एक बार मेरा इच्छा था। मैं जब जिलाध्यक्ष शुरू में बना तो मैंने कभी पार्टी से नहीं कहा था कि मुझे जिलाध्यक्ष आप बनाइए। पार्टी ने समझा कि विजय साहू कर सकता है, तो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया और उसका मैंने पूरा पूरी काम किया। पूरे पार्टी संगठन को एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक मजबूत करने का काम किया। इस बार मेरा दिल इच्छा थी कि इस बार 24 तक मैं जिलाध्यक्ष रहूं, और मैंने आग्रह किया, रोशन लाल चौधरी जी से आग्रह की, माननीय चंद्र प्रकाश जी से आग्रह किया, माननीय सुदेश कुमार महतो जी से आग्रह किया कि इस बार भैया 24 तक मुझे जिलाध्यक्ष रहने दिया जाए। मेरा दिल का इच्छा है और मैंने पार्टी को इतना दिन से सेवा किया, तो मेरे सोच का, मेरे चाहत का सम्मान पार्टी में होना चाहिए।